सब, आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं नहा धुल के आ गई हूँ, सारा काम मॉर्निंग का कंप्लीट हो गया है। अब किचन में जाना है, किचन में बनाऊंगी आज। अभी मॉर्निंग के टाइम थोड़ा सा मम्मी को बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, उनके सीने में अचानक से दर्द उठा और पूरे एकदम बैक साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो अभी उनको मसाज वगैरह दिए हैं, तो अभी वो रिलैक्स कर रही हैं। अब मैं बनाऊंगी खाना मॉर्निंग के टाइम, तो आइडली मतलब ज़्यादातर जैसे सब्जी रोटी वगैरह बनती है, क्योंकि मम्मी का ट्रीटमेंट चलता है तो उनको सब्जी रोटी देना सही रहता है, सब्जी रोटी वगैरह खा के अपना दवाई गोली खा लेती हैं, तो यही ये रहेगा। तो बस मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी और रोटी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बस लौकी का आरू के लिए चीला बना दूंगी, लौकी रखी थी तो लौकी का चीला आरू को बहुत पसंद है, तो उसको भी बनाऊंगी। आरू आराम से खा लेती है, लौकी का चीला बनाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं रहती। और आप लोग बताइएगा क्या कैसे है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, हम किचन में आ गए हैं। लौकी को हम अच्छे से कद्दूकस घिस लेंगे, क्योंकि बच्चों को वैसे तो सब्जी खाते नहीं, तो किसी न किसी रूप में सब्जी को खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं लौकी के पराठे ही बना रही हूँ आरू के लिए, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना, भुना हुआ जीरा, नमक और बस इतना ही, चाहे तो ऐड कर दें और आप चाहे तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं गेहूँ के आटे, थोड़ा सा बेसन ले ली थी चने दाल का, बस यही डाल के अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और चीला बनाने के लिए रख दी हूँ। इधर बना रही रोटी भी बनाती जा रही हूँ, उधर हम अपना चीला भी बस एक बना दी हूँ, उतना तो नहीं खा पाएगी लेकिन उसके लिए इनफ है। और इधर मम्मी के लिए दूध गर्म हो गया था, उसको ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। मम्मी खाना खा ली हैं, अब आरू के पापा के लिए थाली रख रही हूँ, तो बस उनकी थाली तैयार कर रही हूँ, भिंडी की सब्जी रोटी। आइए आप लोग भी खा लीजिए, मॉर्निंग का यही आज का ब्रेकफास्ट है, तो बस यही था। और आप लोग आगे चलेगी आरू की मस्ती, तो बस यही चलता रहेगा। और मम्मी जब टेबलेट खाने के लिए दूध देती हूँ तो साथ साथ आरू भी दूध पी लेती है उनके साथ, तो अच्छा रहता है। वैसे मैं पिलाती हूँ तो नहीं पीती, मम्मी पिलाती हैं तो आराम से वो पी लेती है। मम्मी की तबीयत मतलब ज़्यादा सही नहीं है, उनके ना सीने में दर्द होता है, उनकी चेकअप हो गई है, उनका चेकअप वगैरह हो गया है। और आइए चीकू आ गई है, चीकू चीकू चीकू, सो मम्मी की तबीयत मतलब ज़्यादा अभी सुधार नहीं है, चेकअप वगैरह हो गया है, रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। शाम तक तो यदि आ जाती है तो ठीक है, उन्होंने बोला है व्हाट्सअप करेंगे, यदि नहीं आती तो मॉर्निंग में जाके लाना पड़ेगा। बस रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्या कैसे है क्या नहीं है। अरे चीकू मस्ती मत करो बेटा, तो बस यही है। और आप लोग बताइए क्या कैसे है, बस मम्मी का ट्रीटमेंट यदि सब नॉर्मल होगा, उनको एना एक ये प्रॉब्लम है, ये ना फोन का पॉजिटिव था, देखते हैं यदि निगेटिव आ जाता है तो उससे बढ़िया क्या है। तो आप लोग प्रे करिए कि मम्मी का ना निगेटिव आए, और क्योंकि उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, पूरी बॉडी एकदम अकड़ सी जाती है। हाँ तो मतलब यही सोच रही हूँ कि सारी चीज़ अच्छा हो जाए और मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। क्या कैसे रिपोर्ट में क्या आता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। और हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन को क्लिक करें, आने वाले वीडियो को thank you.
थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसको फीवर हो रखी है, तो जैसे ना मतलब दवाई वाली खा लेता है इसको आराम लगता है, नहीं तो इसको फिर से फीवर हो जाता है। बस इसकी ट्रीटमेंट चल रही, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा किट्टू। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन।